हेलो मित्रों, मैं हूँ अजय प्रजापति और आप सबका द फोकस स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेड कनेक्शन। तो वोल्टेड कनेक्शन के सम कैसे गिने वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, मैं बता दूँ आपको वोल्टेड कनेक्शन के सम कैसे गिने जाते हैं। वोल्टेज कनेक्शन के सम गिनने के लिए हमें कुछ डेटा की जानकारी होनी आवश्यक होती है, जैसे कि डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ होल, पिच डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। तो फिर डायमीटर ऑफ बोल्ट हमको हमको डेटा में दिया गया होता है। डायमीटर ऑफ होल जो हमें फाइंड करने का होता है। डायमीटर हम कैसे फाइंड करें, डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है उसमें प्लस क्लियरेंस करके हमको उसको फाइंड कर सकते हैं, जो उसके स्टैंडर्ड क्लियरेंस यहाँ पे दिए गए हैं। 12 mm का जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है उसमें 1 mm स्टैंडर्ड क्लियरेंस ऐड करते हैं, इसीलिए उसका डायमीटर ऑफ होल 13 हो जाता है। ऐसे ही 16 से लेकर 22 तक के डायमीटर ऑफ बोल्ट के लिए हमें 2 mm क्लियरेंस ऐड करने का होता है। 24 के लिए भी 2 mm ऐड करने का होता है, और 24 से बड़े बोल्ट होते हुए उसके लिए हमें स्टैंडर्ड क्लियरेंस 3 mm ऐड करने का होता है। जैसे कि 24 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो उसमें 2 ऐड करते जाइए, 24 है तो 24 + 2, इसीलिए डायमीटर ऑफ 26 हो जाता है। ये टेबल पेज नंबर 73 पे दिया गया हुआ है कोड में। और पिच डिस्टेंस क्या होता है, पिच डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ये दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस है, तो उसको पिच डिस्टेंस बोलते हैं। और प्लेट से ऊपर से लेकर बोल्ट तक के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम मेन डिस्टेंस बोलते हैं। और वर्टिकली जो दो बोल्ट होते हैं उसके डिस्टेंस को हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। और पिच डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो पिच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया हुआ है 2.5 × d डायमीटर ऑफ बोल्ट। जो 2.5 × डायमीटर ऑफ बोल्ट डायमीटर ऑफ बोल्ट डेटा में दिया गया है उनसे मल्टीप्लीकेशन करके पिच डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसका ये पिच डिस्टेंस का ये फॉर्मूला पेज नंबर 73 पे दिया गया हुआ है। और एन डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, एन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1.7 × DO मीन्स के DO मीन्स के डायमीटर ऑफ होल हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस ऐड करके हम डायमीटर ऑफ होल फाइंड करते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, हमको एंड डिस्टेंस मिल जाता है। और पेज नंबर 74 पर एंड डिस्टेंस का भी ये 1.7 लेने का वो बताया गया हुआ है। ऐसे हम गेट पिच डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस और डायमीटर ऑफ बोल्ट और डायमीटर होल फाइंड करते हैं। मित्रों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वोल्टेज कनेक्शन के सम की गिनती कैसे करें। उसमें वोल्टेज कनेक्शन दो टाइप के सम आते हैं, वोल्ट वैल्यू एंड नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करने का होता है। दूसरा आता है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। उस फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट में हमें बोल्ट और प्लेट के बीच की जॉइंट की एफिशिएंसी फाइंड करने की होती है। जो जॉइंट की एफिशिएंसी फाइंड करने की होती है वो मैं उसके सम की गिनती मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। और हम अभी बोल्ट वैल्यू नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड के सम की गिनती कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए मैंने डेटा यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है। उसमें डेटा में दिया गया है कि 2 प्लेट्स ऑफ 100 mm वाइड एंड 16 mm एंड 18 mm थिक आर कनेक्टेड बाय लेफ्ट जॉइंट टू रजिस्टर डिजाइन टेंसाइल लोड ऑफ 70 kN। डिजाइन अ लेफ्ट जॉइंट यूजिंग M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 एंड ग्रेड 410 प्लेट। यहाँ पे M16 बोल्ट का ग्रेड दिया गया है जो 4.6 है, और प्लेट का ग्रेड दिया गया हुआ है जो 4010 दिया गया हुआ है। यहाँ पे डेटा में हमें इतनी जानकारी मिलती है कि M16 का बोल्ट है और प्लेट का ग्रेड 4.6 है, और यहाँ पे प्लेट की थिकनेस क्या है, कितनी वाइड है वो हमको दिया मिल जाती है यहाँ पे डेटा बेस। और हमको कितने की डिजाइन करने की, डिजाइन टेंसाइल लोड हमको कितने का रख के डिजाइन करने का, वो भी 70 kN हमको यहाँ पे दिया गया हुआ है। इस डेटा बेस हमको सम की गिनती करनी है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। जो डायमीटर ऑफ बोल्ट हमें M16 दिया गया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ होल जो
हमें फाइन करता का फाइन करने का होता है 16 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया गया था उसमें प्लस 2 क्लियरेंस ऐड करके हमें हमको 18 mm मिलता है क्लियरेंस, हमको टेबल पे से मिलता है जो मैंने आपको आगे बताया वैसे ही 16 mm का 16 mm बोल्ट की बोल्ट की डायमीटर की साइज है उसमें 2 प्लस 2 क्लियरेंस सेट करके हमके डायमीटर ऑफ होल यहाँ पे मिल जाता है। इतना इतना गिवन डेटा हमें लिखने के बाद आगे आगे कैपेसिटी फाइंड करने की होती है, वो कैसे करने की मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। स्टेप वन में होता है कि शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, शियर कैपेसिटी बोल्ट हम कैसे फाइंड करें। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड करने के लिए हमको नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू, शियर कैपेसिटी की वैल्यू मालूम होनी आवश्यक है। नॉमिनल शेयर कैपेसिटी को हम VNSB भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है FU/√3 NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। FU हमको 4000 होता है, √3 तो √3 होता है। NN क्या है, ये चीज है कि आप जब बोल्ट का जो आप जब बोल्ट की डिजाइन कर रहे हो तो आप उसका शियर फेलियर कहाँ से, शियर फेलियर कौन सा अज्यूम करते हो। अगर आप उसका शियर फेलियर थ्रेड में से होता है ऐसा अज्यूम करते हो उसमें करते हो तो उसमें NN की वैल्यू 1 आएगी। और अगर आप अगर आप ये अज्यूम करते हो तो करते हो कि उसका शियर फेलर सेंक में से होगा तो यहाँ पे NS की वैल्यू 1 आएगी आएगी ये। और NN और NS इसमें दो टाइप्स होते हैं, ये सब हमारा लैप जॉइंट का है, ये सब हमारा लैप जॉइंट का है। इसीलिए लैप जॉइंट में हमेशा सिंगल शियर ही होता है, तो सिंगल शियर के लिए हम NN की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं। और अब अगर ये सब लैप जॉइंट का नहीं और बट जॉइंट का होता तो यहाँ पे बट जॉइंट का होता तो बट जॉइंट में दो टाइप के शियर फेलियर आते, सिंगल शियर और डबल शियर। सिंगल शियर होता तो नंबर ऑफ सिंगल शियर होता तो आप किस में से आपका शियर फेलियर एज्यूम करते हैं उस पे होगा। अगर आप थ्रेड में से एज्यूम करते हो तो आपको NN1 आएगा, और आप अगर आप NS में से करते हो तो वो भी 1 आएगा। अगर आप डबल शियर फेलियर एज्यूम करते हो तो उसमें डबल डबल में भी आप कौन से में से एज्यूम रखने डिजाइन करने वाले उस पे रहता है। डबल में आप एक एक थ्रेड में से एज्यूम करते हो, दूसरा फेलर या सेंक में से एज्यूम करते हो तो दोनों में 1-1 आएगा। अगर आप दोनों ही थ्रेड में से एज्यूम करते हो तो NN2 आएगा, और दोनों ही आप NS में से एज्यूम करते हो तो उसका शियर फेलर यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा। और ANB और ASB क्या होता है वो मैं अभी आपको पीछे बताने वाला हूँ। ANB ये चीज है कि जो बोल्ट में थ्रेड होते हैं उसका आपको कितने एरिया में थ्रेड है, वो कितना एरिया रोकता है, उसका उसका एरिया सोचने का थ्रेड होते होता है इसको थ्रेड होता है। इसके लिए हमको इसको 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वेयर डी स्क्वेयर लिखते हैं। थ्रेड होता है इसके लिए हम इनको 0.78 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 0.72 पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हमारे यहाँ पे डी डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 है, इसीलिए हमको यहाँ पे 16 का स्क्वायर करके आंसर मिलता है। और ASB ये चीज है कि जो सेंक का एरिया होता है उसको उसको हमको यहाँ पे लिखने का होता है। सेंक एरिया तो वैसे भी सर्कल ही होता है, इसीलिए सर्कल का तो हमको मतलब मालूम ही है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट, इसीलिए मैंने 1 ही एज्यूम किया है, शियर फेलियर हमारा 1 ही मैंने एज्यूम किया, इसीलिए NN की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आएगी। वो मैंने यहाँ पे लिखा NN की वैल्यू हमारी 1 आएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। और NS की वैल्यू मैंने जीरो जीरो मैंने एज्यूम ही नहीं किया क्योंकि उसमें से शियर फेलियर हमारा होने वाला नहीं है, ऐसा मैंने डिजाइन में एज्यूम किया है, इसीलिए यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है। इसीलिए यहाँ पे NN की वैल्यू NN और ANB और NS ASB क्या है वो हमको मालूम पड़ जाता है। और ये पूरा फॉर्मूला पेज नंबर 75 पे दिया गया हुआ है कोड में। और
यहाँ पे हम आगे आगे की गिनती करें तो 4000 डिवाइडेड √3 का हमारा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जो यहाँ पे 4000 डिवाइडेड √3 हमने लिखा है। NN की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 एज्यूम की, इसीलिए उसकी डिजाइन में मैंने 1 एज्यूम किया, इसीलिए 1 है। 157 हमारे यहाँ से आंसर आता है जो मैं यहाँ पे लिखा है। और सेगमेंट्स में यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, इसीलिए 0 हो जाता है। और इसका हम अगर करते हैं तो इसका आंसर 36257.59 न्यूटन आता है। इसको हमको न्यूटन में लिखने का होता है, इसीलिए हमको इसको इसको हम न्यूटन न्यूटन में, इसीलिए हमको इसका किलो न्यूटन में लिखने का होता है, इसीलिए हमको इसको किलो न्यूटन में लिखते हैं। और ऐसे ही हमारी ये नॉमिनल शेयर कैपेसिटी और कैपेसिटी मिल जाती है जो यहाँ पे आया 360.25 किलो न्यूटन मिलती है। और हम ये हमारा कैपेसिटी और शेयर कैपेसिटी फाइंड करने की होती है, इसीलिए हम शेयर कैपेसिटी का भी फॉर्मूला लगते हैं। VDSB इज इक्वल टू VNSB डिवाइडेड गेम आई बी। VNSB हमने यहाँ पे फाइंड किया, 36.25 हमने यहाँ पे लिखा है। और डिवाइडेड गेमा एम बी हमारा 1.25 है, जो हमने पेज नंबर थर्टी पर से मिल जाता है। और इसका हम करते हैं, अगर हमको इसका आंसर 29.0 किलो न्यूटन मिलता है, यहाँ पे हमारी शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल 29 किलो न्यूटन मिल जाती है। और हम इस आंसर को वन वन से डिनोटेट कर देते हैं, जिससे हमको आगे आसानी रहे। यहाँ पे हमारा स्टेप वन खत्म हो जाता है। और स्टेप वन में शेयर कैपेसिटी बोल हमको 29 किलो न्यूटन मिल जाती है। यहाँ पे शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट हमको आंसर मिल जाता है, इसीलिए मिल जाता है। इसका फॉर्मूला VNSB गामा एमबी को पेज नंबर 75 में कोड में दिया गया हुआ है, इसी के स्टेप वन यह पूरा होता है। अब हम बात करके स्टेप टू में क्या होता है। स्टेप टू में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फाइंड करने की होती है, शेयर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फाइंड करने की होती है, जिसमें सबसे पहले हमको नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फाइंड करनी पड़ती है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको नॉमिनल की बियरिंग कैपेसिटी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फाइंड करने की जरूरत होती है। उसका फॉर्मूला है 2.5 × KB, KB इंटू डी, डी इंटू टी इंटू एफ यू, जो VNPB भी कहते हैं, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमको दिया गया हुआ है। इसकी वैल्यू हम कैसे लिखने के, क्या लिखने के, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये फॉर्मूला भी हमको पेज नंबर 75 पे दिया गया हुआ है। और इस फॉर्मूला को हमको हमको इसमें कौन सी वैल्यू कैसे लिखनी है वो बता। उससे पहले हमको ये दो डिस्टेंस फाइंड करने के आवश्यक होता है, जिसको हम पी डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मैंने आगे भी बताया वैसे फाइंड करते हैं। पी इज इक्वल 2.5 × डी। डी क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, और या इंटू इसका 2.5 करके हमें 14 mm मिलता है। और एंड डिस्टेंस 1.7 डायमीटर ऑफ होल होता है, जो हमारे यहाँ पे 18 लिखा है। इसका मल्टीप्लीकेशन करके हमारा आंसर 13.6 mm आएगा। इसका राउंड फिगर हम 30 mm ले 30 mm ले लेते हैं लेते हैं। और मैं अब आपको बताऊं कि आगे मैं अभी आपको आगे बताऊं कि बताने वाला हूं कि आगे आगे हमने मैंने बताया वैसे ही नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैसे फाइंड कर, उसमें 2.5 तो हमको ऐसे ही मिल जाता है। और के भी क्या है वो मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूँ। डी डी हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट। टी टी क्या है, टी है हमारे प्लेट की थिकनेस है, जो यहाँ पे हमको दो थिकनेस दी गई है, 80 mm और 60 mm। यहाँ पे से हमको टी के लिए दोनों में से मिनिमम लेने की होती है, इसीलिए हम 60 mm इसमें लेने वाला है। टी हमारा यहाँ पे 60 mm आता है। और एफ यू क्या होता है, एफ यू हमारा 400 है, वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको आगे बताया ही है, बोर्ड के लिए एफ यू हमेशा 400 ही लेने का होता है, वैसे हमारा 400 ही आता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि के बी कैसे फाइन करने का, के बी स्मॉलर हो, के बी फाइन करने के चार फॉर्मूला है, चार में से जिसका आंसर मिनिमम आता है उसको हमको लेने का होता है। सबसे पहला आंसर आता है एंड ई ई मीन्स के एंड 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 डिस्टेंस क्या है उसका, हमको एंड डिस्टेंस डिवाइडेड थ्री डी ओ हमारा क्या है, डी ओ इज डायमीटर ऑफ होल होता है। इसका हम आगे वैल्यू लेके
इक्वल टू 13 आता है, 3 हमारे ऐसे ही मिल जाता है, 3 3 ऐसे ही लिखने का, और डीओ डीओ हमारा क्या है डायमीटर ऑफ होल वो 18, इसका आंसर हमको मिलता है 0.55। और दूसरा है, दूसरा में आता है पी डिवाइडेड 3D0, लेकिन पीच डिस्टेंस डिवाइडेड 3 इंटू डायमीटर होल -0.25, और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.49। भाई एफ यू बी, एफ यू बी मीन्स के मैंने बताया कि वैसे एफ यू का आंसर हमेशा 400 लेने का होता है, यहाँ पे दोनों दो एफ यू दिए गए हुए हैं इसीलिए एफ यू बी मैंने लिखा। एफ यू बी मीन्स के एफ यू बी मीन्स के यहाँ पे बोल्ट का एफ यू लेने का होता है और प्लेट का एफ यू 410 लेने का होता है, जो उसका ग्रेड होता है एफ यू 400 यहाँ पे लेने ले 410 लेने का होता है, और इसका आंसर हमें 0.975 मिलता है। और फोर फोर में तो उसका आंसर ऑलरेडी 1 ही दिया, 1 ही होता है, और इन चारों में से जो इसका आंसर मिनिमम आता है वो हमें यहाँ पे लेने का होता है, यहाँ पे आंसर 0.49 मिनिमम आता है, इसीलिए हम 0.49 यहाँ पे मिनिमम लेते हैं। इसमें से मैं आपको एक टेक्निक बताऊं कि यहाँ पे आंसर हमेशा है ना 0.49 के अराउंड ही आने वाला है, 0.49 के ही अराउंड आता है आंसर, और यहाँ पे केबी की वैल्यू हमें मिल जाती है, और इसकी केबी की वैल्यू हमको मिल जाती है, केबी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है, और हम इसका आगे इसकी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करें तो 2.5 इंटू केबी, केबी क्या 0.49 हमें यहाँ से मिलता है। डी क्या डी आई डी डी है हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, और टी क्या टी हमारी मिनिमम थिकनेस है, एफ यू हमारा बोल्ट के लिए 4000 होता है, इसका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका आंसर हमको 125.440 न्यूटन मिलता है, इसको हमको किलो न्यूटन में लिखने का होता है, जो हमें यहाँ पे इससे 3 पॉइंट आगे खसने का होता है, 125.44 हमारा किलो न्यूटन में आंसर हमारा मिल जाता है। वैसे ऐसे ही हमारे आंसर हमको मिलता है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, यहाँ पे हमको मिल जाता है, हमको फाइंड करनी है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, इसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो मैंने मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैसे फाइंड करें। डिजाइन कैपेसिटी डिजाइन डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी बोल्ट को हम वी डी पी बी बोलते हैं, इसके इसका फॉर्मूला वी एन पी बी डिवाइडेड गेमा एम बी। वी एन पी बी कहाँ से है, वी एन पी बी हम यहाँ पे फाइंड किया, वैसे ही वी एन पी बी हमें फाइंड किया 125.44, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, और गेमा एम बी क्या, गेमा एम बी 1.25 आता है पेज नंबर 30 पे टेबल में बताया गया है, मैंने आपको बताया आगे बताया, वैसे ही 1.25 यहाँ पे लिखने का होता है, और इसका जो आंसर आता है वो यहाँ पे हमें किलो न्यूटन में लिखते हैं, 1000 × 35 हमारा किलो न्यूटन आंसर में आता है, इसको हम डिनोटेड 2 से 2 से करते हैं, और ऐसे ही हमें डिजाइन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट मिल जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ पे स्टेप 2 का पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, और वी एन पी बी एन गेमा एम बी इसको हमको डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी बोलते बोलते हैं, इसका ये फॉर्मूला है जो हमको पेज नंबर 75 पर दिया गया हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे स्टेप 2 पूरा हो जाता है, और मैं आपको आपको बताऊं कि बताऊं वैसे ही यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बोल्ट वैल्यू नंबर ऑफ बोल्ट सीक्वेंस, यहाँ पे हम करने वाले बोल्ट वैल्यू क्या है, बोल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 पे 2 से स्टेप 2 2 पर से मिल जाता है। स्टेप 1 मतलब शियर कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट उसका आंसर, और स्टेप 2 मींस के डिजाइन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, इस दोनों में से जिसका मिनिमम आंसर होता है वो हमारा आ जाता है बोल्ट वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोल्ट वैल्यू VDPB इज इक्वल टू 29.0 किलो न्यूटन, जो हमारे यहाँ पे शियर कैपेसिटी बोल्ट का आंसर मिनिमम 29.0 किलो न्यूटन है, और हमारे डिजाइन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी बोल्ट का आंसर 100 का अराउंड आता है, इसके लिए अभी ज्यादा है, और शियर कैपेसिटी का आंसर 29 आता है, इसीलिए हमारे बोल्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 29.0 किलो न्यूटन। आपको आपका सम बोल्ट वैल्यू फाइंड करने का हो तो सिर्फ बोल्ट वैल्यू तक आपको इतना ही सम फाइंड करने का होता है, यहाँ पे आपका सम खत्म हो जाता है। बोल्ट रिकॉर्ड कैसे फाइंड कर, नंबर ऑफ बोल्ट रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपना टोटल लोड होने का, टोटल लोड डिवाइडेड बोल्ट वैल्यू, टोटल लोड हमारे पास अगर डेटा में दिया गया हुआ है यहाँ पे 17 किलोमीटर दिया गया हुआ है, यहाँ पे 17 किलो न्यूटन लिखते हैं, बाद में बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे 29.0 किलो न्यूटन है, वो हमें लिखते हैं, पर इसका हमारा आंसर आता है 2.41, 2.441 को हमारा राउंड फिगर 3 नंबर ऑफ बोल्ट्स में लिख देते हैं, पर इसके फिगर हम दोनों तो जैसे कि ऐसी ऐसी फिगर आती है जो प्लेट में दोनों तरफ से सीधे सीधे 70 70 किलो न्यूटन से फोर्स से इसको खींचा जाए तो 60 60 एम डायमीटर के बोल्ट 3 नंबर ऑफ बोल्ट इसमें रिक्वायर्ड पड़ते हैं, इतने
60 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट के 3 बोल्ट हो यहाँ पे लगा, तो ये जितनी 70 किलो न्यूटन 70 किलो न्यूटन जितनी स्ट्रेंथ ये रजिस्ट कर सकता है, और इससे ज्यादा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखती है तो बोल्ट का हमारा शेयर फेलियर होने की पूरे 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 पूरी संभावना रहती है।